Hi everyone, welcome back to my channel Parif Hub style I hope all are doing well. If you are new here, please subscribe my channel and share my video with your friends and family. So, in this video, I am gonna share with you guys how I get clear skin and also flawless base makeup. So, let's get started. एज़ यू कैन सी माई बेस्ट मेकअप इज़ सो ग्लोई सो नेचुरल एंड सो फ्लॉलेस तो अगर इस मेकअप लुक का आप रात जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक डेफिनेटली देखिएगा तो उस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए सबसे फास्ट जो है आपको फेस के फेसियल हेयर को रिमूव करना पड़ेगा दैट्स वाई जब आप अपने फेस में मेकअप करोगे तो आपके फेस में मेकअप करते टाइम फेसियल हेयर जो है रास्ते में नहीं आएगा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन स्मूथ लगेगा एंड आपके फेस में जो भी व्हाइट हेड्स वगैरह वो भी रेज़र के हेल्प से निकल जाता है तो आप फेसियल हेयर को दो तीन तरीके से रिमूव कर सकते हो या आप पार्लर में जाके आ, वैक्सिंग करवा सकते हो थ्रेडिंग करवा सकते हो या आप रेज़र के हेल्प से भी रिमूव कर सकते हो अपने घर में ही रिमूव कर सकते हो तो जैसे कि मैं आ, जो है बहुत ही पेन जो है नहीं ले सकती हूँ तो इसलिए मैंने घर पे ही रेजर से जो है आ, अपना जो फेसियल हेयर है उसको रिमूव करती हूँ एंड किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी मैं उसके लिए रेज़र यूज़ करती हूँ टिंकल रेजर दिस इज़ माइर स्किन लुक लाइक दैट आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रोथ आया हुआ है हेयर का एंड दिस इज़ नॉट अ फुल ग्रोथ और एक्चुअली एंड इससे भी ज़्यादा जो है किसी किसी का हेयर ग्रोथ आता है बट मेरा बहुत कम ही आता है एंड एंड आज मैं इसको सेविंग करूँगी क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं इसके बाद एक मेकअप लुक करने वाली हूँ दैट्स वाई मैं इसको सेविंग कर लूँगी एंड इससे मेरा बेस जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ क्लीन एंड फ्लॉलेस रहेगा तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बेस को सेव करना है आपको एंड द प्रोडक्ट दैट आई यूज़ एक रेज़र मैं यूज़ करूँगी जिसका नाम है टिंकल रेजर ये थोड़ा सा लाइक like, एक्सपेंसिव है लाइक अदर रेजर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मतलब अगर आप टिंकल रेजर यूज़ कर रहे हो तो उसका प्राइस आपको आई थिंक वन हंड्रेड में तीन मिल जाएगा एंड ये आई थिंक फोर हंड्रेड में आपका थ्री का सेट आता है उसके कंपेयर से थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव है बट दे ऑल आर गुड टिंकल ले लो या बेलो दोनों ही बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड इसको मैं आज यूज़ करूँगी एंड इसके साथ एक कैप भी आता है उस तरीके का ताकि आप यूज़ करने के बाद अच्छे से इसको जो है क्लीन कर लो एंड इसको जो है आप स्टोर कर सकते हो Way, इसका लिंक जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी एंड टिंकल रेज़र जो है थोड़ा सा इससे कम प्राइस का वन हंड्रेड का तीन या वन फिफ्टी का वो तीन मिल जाएगा वो भी मैं दे दूँगी एंड वो भी बहुत ही अच्छा रेज़र है पहले मैं वो यूज़ करती थी तो नेक्स्ट मैंने सोचा कि इसको तो भी ट्राई किया जाए कि इसका मतलब रिव्यू कैसा है तो मुझे उससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है एंड इसको इस तरीके से रिमूव करना है मैं इसको यूज़ करूँगी आप देख सकते हो मेरा ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है तो आपको ना हेयर के डरेक्शन में यूज़ करना है ऑपोजिट डरेक्शन में मतलब इस तरीके से यूज़ नहीं करना है इस तरीके से यूज़ करना है ओके मैं थोड़ा सा चिन एरिया एंड इधर दो साइड्स यूज़ करूँगी फोर हेड यूज़ करूँगी एंड आईब्रो मैं कुछ नहीं करूँगी आज की क्योंकि मेरा आईब्रो ठीक ठाक ही है अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी आईब्रो में तो चलिए कर लेते हैं एंड अपर लिप्स डेफिनेटली करूँगी मैं एक मिरर का हेल्प लिया है एंड यहाँ का जो हेयर है उसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी लाइक इस तरीके से पीछे कर दूँगी एंड एंड अभी मैंने फेस पे कुछ भी जो है यूज़ नहीं किया लाइक मैंने सिर्फ फेस वाश के हेल्प से फेस को वॉश किया है एंड मैंने कुछ भी नहीं किया है इस तरीके से आपको कट लगाना है एज़ यू कैन सी मेरे छोटे छोटे रुए जैसे बाल जो है निकल रहे हैं आप देख सकते हो पहले मेरा स्किन किस तरीके का था एंड अभी किस तरीके का हो गया कितना स्मूथ लग रहा है एंड इससे ना काफ़ी हद तक जो है वाइट हेड्स भी जो है रिमूव हो जाता है तो स्किन अल्टीमेट बहुत क्लीन लगता है एंड इस साइड मेरा हो गया मैं इधर नहीं करूँगी क्योंकि उतना ज़्यादा बाल नहीं है आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा फेस पे बाल है तो आप कर भी सकते हो बट मेरे नहीं हैं तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि फालतू का कोई रेज़र नहीं अपने फेस पे यूज़ करूँगी एंड किसी किसी को थोड़ा सा गलत फहमी है कि अगर मैं रेजर यूज़ करूँगी फेस पे तो नेक्स्ट जो बाल आएगा बहुत ही हार्ड होगा या बहुत ही सॉफ्ट होगा नहीं कुछ भी नहीं होता आपका बाल जैसा है वैसा ही आएगा कोई भी हार्ड या सॉफ़्ट नहीं आएगा एंड जल्दी से भी ग्रोथ जो है नहीं आएगा तो इससे कोई इशू नहीं है एंड बहुत ही पेनलेस जो है प्रोसेस है अगर आप पार्लर में जाओगे वैक्सिंग करवाओगे या थ्रेडिंग जो भी करवाओगे बहुत ही पेन होता है एंड इस बहुत बहुत ही पेनलेस है तो देट्स मैं इसको प्रेफर करती हूँ नेक इधर का निकाल रही हूँ एज यू कैन सी मेरे निकल रहे बाल छोटे छोटे जो रुए जैसे बाल है वो निकल रहे हैं एंड एक रेजर है आई थिंक एक ब्लेड है ये तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस क्योंकि लग सकता है आपको कट तो आपको केयरफुल रहना चाहिए एंड ये नहीं कि ऐसे सिर्फ जल्दी से लगा एंड कट गया इस तरीके का ब्लेड नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए लाइक तो टाइम लग जाए टेन टू फिफ्टीन मिनट्स या ट्वेंटी मिनट्स लग जाए लेकिन आप थोड़ा सा मतलब इसको केयरफुली यूज़ करो यू ना किसान ना रोए रोए मुझे फील हो रहा था लेकिन अभी कितना स्मूथ हो गया है नेक्स्ट मैं करूँगी अपना जो है अपर लिप डेफिनेटली एंड अपर लिप में ना थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना होता है ये आपके हाथ में कोई मिरर नहीं है आप इस तरीके से स्टैंड कर सकते हो मिरर को अब मैं आपको इस तरीके से খিচনা হ'ব স্কিনক লৈ नेक्स्ट में चीन का हेयर टाइट रिमूव करूँगी चीन में थोड़ा बहुत मेरे व्हाइट हेड्स है तो भी निकल रहे हैं नेक्स्ट में ना फोर को करूँगी क्योंकि मेरे फोर में ज़्यादा कुछ नहीं है तो लग रहा है कि थोड़ा थो हेयर लाइन को कर लेना चाहिए हेयर रिमूव हो गया है एंड मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपना फ़ेस को वॉश करूँगी एंड उसके बाद मैं टोनर मॉइस्चराइजर वग़ैरह अप्लाई करूँगी दैट सीट और कुछ नहीं करना होता है आपको एंड इसको आप अच्छे से धो लीजिए नॉर्मल वाटर के हेल्प से एंड इसको आप सुखा अच्छा के इस तरीके से कैप के साथ स्टोर कर सकते हैं ओके okay? तो अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियो तो मिलती हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय सी यू गाइस लव यू एंड आप अगर इस तरह का मेकअप लुक जो है देखना चाहते हो मेरा इस आ, मुस्लिम ब्राइडल पाकिस्तानी मेकअप लुक तो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है तो उस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हो एंड उसका लिंक भी मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड इस मेकअप को लुक के लिए अचीव करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको फेशियल हेयर को रिमूव करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको इतना स्मूथ मेकअप लुक मिलेगा